हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। इस मैंगो आइसक्रीम को हमने बिना चूल्हा और बिना गैस जलाए हुए बनाया है। बहुत ही शानदार आइसक्रीम बनती है इसकी। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 आम लिए हैं। ये आम है लाल बाग। इसको हम एक एक करके एक आम के अंदर इस तरीके से कट लगाएंगे दोनों तरफ से। अब इसके अंदर का पल्प निकालने के लिए इस टुकड़े के अंदर हमने चाकू से इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे ताकि पल्प निकालने में आसानी हो जाए। ये सारा पल्प हम एक कांच के बोल के अंदर चम्मच की सहायता से निकालेंगे। ये सारा पल्प निकालने के बाद हम सारा पल्प एक ग्राइंडिंग जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद मैंने लिया तकरीबन 150 ग्राम शुगर और 200 ग्राम घर की फ्रेश मलाई। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई नहीं है तो आप बाजार से अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसके बाद ये पल्प के बाद में 150 ग्राम चीनी और सारा क्रीम एक ग्राइंडिंग जार के अंदर मिक्स करेंगे। इसके बाद लीड लगा के इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखो, ग्राइंड करने के बाद में एक इसका पल्पी मिक्सचर बन चुका है। इसको वापस हम उसी कांच के बोल के अंदर निकालेंगे। ये मिक्सचर मैंने दो हिस्सों में बनाया क्योंकि मेरे पास जो ग्राइंडिंग जार था वो छोटा था। इसके बाद इस कांच के बोल को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। 1 घंटे के बाद वापस निकालेंगे। इसके बाद दोबारा हम ग्राइंडिंग जार के अंदर इसको ट्रांसफर करके दोबारा कुछ मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे ताकि एक ये जो टेक्सचर है एक फ्लफी बन के तैयार हो जाए और एक अच्छा कलर भी आता है इससे। ये देखिए, दोबारा ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना शानदार कलर आ चुका है। इसको अब हम चम्मच की सहायता से एक प्लास्टिक एयर कंटेनर जार के अंदर निकालेंगे। अगर आपके पास में किसी भी साइज का प्लास्टिक एयर कंटेनर तो वो ले ले, नहीं है तो आप इसको टिफिन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारा टेक्सचर मैंने इसके अंदर ट्रांसफर किया है। इसके बाद एक चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह इसको सेटल करेंगे चारों तरफ से। इसके बाद मैंने लिया एक फॉइल पेपर इसके ऊपर से रख के लीड बंद करेंगे। अगर आपने फॉइल पेपर नहीं लगाया तो एयर क्रिस्टल बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए फॉइल पेपर जरूर लगाएं। इसके बाद हमने इसको 5 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रिज में रखा। 8 घंटे के बाद हम इसको फॉइल पेपर को निकाल के ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए, आप मैंगो आइसक्रीम बनके रेडी है। अब इसको प्लास्टिक कंटेनर से निकालने के लिए चाकू की नोक की सहायता से चारों तरफ से इसको इस तरह से कट लगाएं ताकि प्लेट में निकालने में आसानी हो जाए। इसके बाद इसको उल्टा करके हम एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। ये देखिए कितनी शानदार बनके आइसक्रीम रेडी है। इसको गार्निश करने के लिए मैंने ऊपर से क्रश्ड पिस्ता के पीसेस डाल रखे हैं ताकि ये एक अच्छा लुक आ जाए। इसके बाद हम एक चाकू की सहायता से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस के अंदर से इसमें कट लगाएं। यकीन मानो, ये आइसक्रीम जब आप घर पे बनाएंगे तो आपके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी है। ये देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।